नमस्कार साथियों, यूपी टेट में किस तरीके के सवाल आते हैं दोस्तों, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अगर बात करेंगे सीडीपी में, किताबें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि बाकी किसी एग्ज़ाम में बहुत कम आता है। तो कुछ स्टेटमेंट, कुछ किताबें बता रहा हूँ, उनको बिल्कुल ध्यान रखें। आपके आने वाले एग्ज़ाम में 23 तारीख को आप बड़ा धमाका कर सकते हैं। सबसे पहली बात बताऊँ, कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब किसने लिखी थी, आंसर पता तो जरूर बताइएगा, आरएम गेग ने। दूसरी बात, आपका अगर बात करें इमोशन जो है, एक्साइटेड स्टेज है, ये किसने कहा था, कमेंट करिएगा, बता देता हूँ, वुड्सवर्थ। आपका तीसरी बात करें, आपका जो है प्राइम, जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, कितने मिनट का होता है और इसको किसने दिया था, 36 मिनट का होता है दोस्तों टोटल, और किसने दिया था, एलन साहब ने दिया था। चौथी बात करें अगर, कॉल एंड ब्रूस ने किसको अनोखा काल कहा था, तो बाल अवस्था को कहा था। और एक आखिरी सवाल दोस्तों, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसको चोर डाकू कुछ भी बना दूंगा, यह किसका स्टेटमेंट है, इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और एक और सवाल जो है, व्यवहारवाद के जनक किसको बोला जाता है दोस्तों, क्या इन सवालों के आंसर आप जानते हैं, नहीं जानते तो जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहे।